This is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institutes. Our contact number is +917 6967 34256, and we have got this writing topic for the day created by PASS OET. So we really appreciate for creating this question paper. And again, Dr. BKM promises you for the best of the best sample answers. And again, सबसे पहले हमें ये ढूंढना होता है कि हम किसको लिख रहे हैं. So you are the charge nurse on the mental health ward where Ming Zhang will be discharged from, जहाँ से वो डिस्चार्ज होगी. एंड यू नीड टू राइट अ नर्सिंग रेफर लेटर टू लोकल कम्युनिटी मेंटल हेल्थ टीम. तो मतलब जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ टीम लोकल है, यानी जहाँ पे भी आपका हॉस्पिटल है, तो लिखना किसको है? टीम लीडर को लिखना है, राइट कम्युनिटी मेंटल हेल्थ टीम को. सो हमें एक टीम लीडर को लेटर लिखना है, वो भी मेंटल हेल्थ टीम के. यानी आज का जो भी हमारा डाटा होगा वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डाटा होगा. तो हम कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी मेंटल हेल्थ टीम को लेटर लिख रहे हैं, उसके टीम लीडर को. तो हम लास्ट पैराग्राफ, अब इसमें से कौन कौन सा पॉइंट्स लेंगे देखते हैं. मेंटल हेल्थ टीम को क्या क्या लिख सकते हैं? केस मैनेजमेंट, तो ये तो हम लिख देंगे. इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड मैनेज दिस केस, ये बात तो वहीं पर पूरी हो जाएगी. तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ टीम, तो इस वर्ड को कभी नहीं लिखना जो नीचे वाले वर्ड से, क्योंकि हम कह रहे हैं इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड मैनेज दिस केस एंड कैन असाइन this patient to Chinese speaking clinician or use interpret services. Kindly continue his CBT and also observe him, his response to any adverse reaction from the medication. Apart from this, side effects should be monitored and the patient should be encouraged to do physical exercise and job hunting. Further, it is important to avoid prescribing him benzo medications as the patient uses these medications for deliberate self poisoning. इस पॉइंट को अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ टीम वाली प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती, तो ये डॉक्टर का काम है. तो इसलिए आप डिस्चार्ज प्लान में से ऐसे पॉइंट्स उड़ा सकते हो. तो जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ टीम के पर्सन हैं वो क्या काम कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं. अगर आपको लिख के दिखाने में, फटाफट लिख देता हूँ. इट वॉन्ट टेक मच टाइम, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड. स्पेलिंग के लिए प्लीज अगेन फॉरगिव मी. इफ यू कुड मैनेज दिस केस, देखो कितना आसान है. एंड मैनेज दिस केस एंड साइन चाइनीज स्पीकिंग क्लिनिशियन और यूज इंटरप्रेट सर्विस. अब डाटा कैसे सिलेक्ट होता है? अब यहाँ पे सोशल हिस्ट्री में से क्या डाटा लोगे इस बात का? तो सोशल हिस्ट्री में ये बताना जरूरी है कि वो चाइनीज समझता है, इंग्लिश नहीं समझता, तो वो चाइनीज बैकग्राउंड से है. तो ये ऑब्वियसली ये पॉइंट अपने आप आ जाता है. इसी डिस्चार्ज प्लान के बेस पे पूरा लेटर सिलेक्ट होता है. तो यानी अब आप ये चाइनीज पॉइंट लिख रहे हो, तो इसका ऑब्वियस मतलब हो गया कि वहां पे लिखा होगा कि चाइनीज क्लिनिक्स, चाइनीज पेशेंट है, वो इंग्लिश नहीं समझता है. तो ये दो बातें लिखनी जरूरी है इस केस में. काइंडली कंटिन्यू हिज सीबीटी. अब कंटिन्यू हिज सीबीटी, इसका मतलब कि ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में जब तक वो हमारे पास रहा, अगर हमने उसको सीबीटी दी है तभी तो कंटिन्यू हो रही है. तो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में ये लिखना जरूरी है, सीबीटी वॉज गिवन, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वॉज गिवन. So continue his CBT and observe. इसी से डाटा सिलेक्ट होता है. एंड ऑब्जर्व फॉर एनी एडवर्स रिएक्शन फ्रॉम मेडिकेशन. ऑल्सो ऑब्जर्व हिम, ऑल्सो अब एक पैसिव वॉइस बना दो, ऑब्जर्व हिम की जगह ही शुड बी ऑब्जर्व for any side effects of medication या जो भी चीज है, ठीक है. इसके बाद लास्ट पॉइंट, फर्दर द पेशेंट शुड बी एनकरेज. तो एक बार शुड बी का यूज कर लिए तो इसको चेंज करते हैं नीड्स टू बी एनकरेज for increasing physical exercise and to do job hunting. इसी पे सारा लेटर डिसाइड होता है. अब यानी जॉब हंटिंग वाली बात है, तो अब ये बताना जरूरी हो गया सोशल हिस्ट्री में कि वो जॉब नहीं कर रहा.
और जॉब को सर्च नहीं कर रहा, तो दैट इज हाउ यू सिलेक्ट योर डाटा। अगेन मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर दैट वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अब इनमें से देखते हैं क्या क्या डाटा उठाएंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक यू टू द पेज। देखिए सो पेशेंट के बारे में पढ़ते हैं, मिस्टर जैंग इज अ 30-year-old मेल, दिस एंड दिस, तो ये डाटा हमें थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। फ्रॉम चाइना, येस। स्पीक्स लेस इंग्लिश, येस। देखो ऐसे पॉइंट्स कवर होते हैं कि हाँ ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, और इंटरप्रेटर चाहिए होता है, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट हो गया। आई वॉज एडमिटेड, कभी भी ऐसे नहीं लिखना ही वॉज डायग्नोज विद मेजर डिप्रेशन एंड डेलिबरेट। सो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिस्टर जैंग हु वॉज एडमिटेड विद मेजर डिप्रेशन एंड ड्यू टू डेलिबरेट सेल्फ पॉइजनिंग। तो डेलिबरेट सेल्फ पॉइजनिंग, सेल्फ अपने आप को खुद पॉइजन दिया, इस कारण से एडमिट हुआ एंड वॉज हैविंग मेजर डिप्रेशन। तो मेजर डिप्रेशन वर्ड को बाद में लिखने में फायदा है, यानी अगर फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए, दिस लेटर इज बींग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर जैन हु वॉज एडमिटेड ड्यू टू डेलिबरेट सेल्फ पॉइजनिंग, पूरा लिखना है, एंड वॉज ऑल्सो having major depression, ऐसे लिखना है। चीज को आगे पीछे करना सीखना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, किसको कहाँ पे लिख सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू शुड राइट द फर्स्ट पैराग्राफ अलोंग विद लास्ट पैराग्राफ, ऐसा कुछ होता है। फिर उसके बाद देखते हैं और क्या डाटा इंपॉर्टेंट है। केम टू ऑस्ट्रेलिया एज अ लेबरर, मैं एक बार ये सब हटा देता हूँ अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए रब कर रहा हूँ, वैसे हमें रखना चाहिए पर फिर भी इसको हटा देते हैं। सो केम टू ऑस्ट्रेलिया एज ए लेबर 5 years अगो, नोट दैट इंपॉर्टेंट, बट हमने बता दिया चाइनीज है, परमानेंट रेजिडेंट ना हो कोई जरूरत नहीं है। वाइफ हैड अफेयर डिवोर्स पेशेंट 1 year अगो, डिप्रेस्ड एंड अनएम्प्लॉयड। अब बस इसको ऐसे मत बताओ वाइफ हैड अफेयर, तो सोशल स्ट्रीम जब लिखेंगे मिस्टर जैंग गोट डिवोर्स्ड, बस ये बात लिखो जो इंपॉर्टेंट है, कहानियां नहीं लिखनी। 1 year अगो एंड सिंस देन, ऐसे ये इंग्लिश लिखनी बोल रही, सिंस देन He has been unemployed, तब से unemployed है इसलिए job hunting जरूरी है and depressed। ये हमारा social history का paragraph आ गया। So that is how you should write. Please understand everything is connecting. So ये वाली line जो आ गई ये second paragraph में आ जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे करके social history और medical history में डाल देता हूँ। तो अभी तक का letter कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, सो इसके अलावा हम करते हैं, फिर उसके बाद और क्या डाटा ले सकते हैं। अब देखते हैं, अब देखो डाटा सिलेक्शन की मेन इंपॉर्टेंट बातें कि मदर डज नॉट लाइक टेकिंग पेशेंट साइकिक मेडिकेशंस ड्यू टू हर चाइनीज मेडिकेशन, लेकिन डिस्चार्ज प्लान में मदर का कोई पॉइंट नहीं है, तो इस पॉइंट को उड़ा दो, अपने आप डाटा कंट्रोल में आ जाएगा। इस पॉइंट का कोई जरूरत नहीं है, इस पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है। जब मदर का पॉइंट अगर डिस्चार्ज प्लान में दिया होता तो इंपॉर्टेंट होता, अगर डिस्चार्ज प्लान में नहीं दिया तो मदर वाला पॉइंट हटा दो, अपने आप डाटा कम हो जाएगा। फिर आप क्या लिखोगे पास मेडिकल हिस्ट्री में, अलोंग विद दिस हिज पास मेडिकल हिस्ट्री रिवील्स दैट वन, एक साल पहले भी आया था विद फर्स्ट एपिसोड ऑफ डेलिबरेट सेल्फ पॉइजनिंग एंड मेजर डिप्रेशन। ये उसकी वाइफ को डिवोर्स दिए भी 1 year हुआ है, तो यानी जो सबसे पहला डेलिबरेट जब पहली बार पॉइजन अपने आप को दिया था तो 1 साल पहले हुआ। So this is his second episode. इसको लिख भी सकते हो नहीं भी, अगर लिखना है तो फिर बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। Attend Chinese psychologist, तो Chinese psychologist को आता रहता है, मिलता रहता है। Current presentation second poisoning की है, तो first paragraph को आप थोड़ा better कर सकते हैं। This letter is being written regarding this who has been admitted for the second time. तो इसके points मिल जाएंगे आपको, who has been admitted for the second time due to deliberate self poisoning. तो यहाँ से आपको point। और जब मेडिकल हिस्ट्री में लिखोगे सेकंड पैराग्राफ में तो लिखो मिस्टर जैंग वाज फर्स्ट एडमिटेड 1 year अगो व्हेन हिज वाइफ डिवोर्स्ड हिम, आल्सो ही हैज बीन एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, ऐसे उसको लाइन को, दो लाइनों को मिक्स कर दो। यानी कि जैसे कहानी आप हिंदी या पंजाबी में बनाते वैसे ही कहानी बनाओ तो आपके लिए ईजी रहेगा। ये गाउट वगैरह की हिस्ट्री आपको पता ही है, जरूरी है नहीं इस लेटर में, तो इसको उड़ा दो, ये भी उड़ा दो। मेडिकेशंस के बारे में लिख दो, मेट्रोजेपिन लिखते हैं, नहीं लिखना नहीं लिखो। तो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन क्या किया, अब ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में सिर्फ मेन चीजें उठाओ कि द पेशेंट रिसीव्ड 1:1 CBT काउंसलिंग, ऑल्सो ही हैड इंक्रीज्ड इंसोमनिया एंड डिक्रीज्ड मोर, सो मेट्रोजेपिन डोज वॉज इंक्रीज फ्रॉम 15 to 30 mg, मदर की है ही नहीं
So now he has nil suicidal ideation. Plus, also his mood is low, but improved लिखने की बजाय अब देखो अब आप लिखोगे mood is low but improved, ये गड़बड़ कर देगा. तो now his mood is still low, अभी भी कम है but better than before, ये कहना चाहता है जब admit हुआ था उससे better. तो इस चीज को अच्छे से लिखो, present अच्छे से करो अपने आप को. And now he has low risk of harming himself. Also, he responded. Also, he has responded well to CBT. अब जो लास्ट पैराग्राफ मैंने बनाया था, it would be greatly appreciated if you could. अब यहाँ पे पहला पॉइंट ये लिख सकते हो, if you could continue his CBT. क्यों पहला पॉइंट continue CBT वाला लिख रहे हैं? क्योंकि हमने लास्ट पॉइंट यहाँ पे CBT पे खत्म किया है. तो इसको और रिलेट कर सकते हो अगर लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को CBT से ही कनेक्शन बिठा दो. तो जो दूसरी लाइन थी उसको हम बाद में लिख देंगे. जो दूसरी लाइन कौन सी थी वो भी मैं आपको बताता हूँ. तो पहले CBT वाला पॉइंट लिख दो, फिर बाद में लिख दो कि काइंडली असाइन पेशेंट टू द चाइनीज क्लिनिकल फिजिशियन. ऑल्सो पेशेंट शुड बी ऑब्जर्व फॉर एनी नेगेटिव इफेक्ट्स एंड ऑल्सो ही नीड्स टू बी एनकरेज टू डू फिजिकल एक्सरसाइजेस. सो दिस इज हाउ यू विल कम्प्लीट योर लेटर. प्लीज लिसन टू इट 5 टाइम्स. Then all of you would be able to understand. Now I will take your questions and then we will start the reading session. Thank you. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes.